केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालातों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और क्राइसिस रिस्पांस टीम के कमांडो को तैनात किया गया है। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में हुए सिलसिलेवार आतंकी हमलों के बाद आधुनिक तकनीक और अपग्रेड हथियारों से लैस सुरक्षा बल के जवान हाई अलर्ट पर हैं। सर, सीआरटी का दिन हो, रात हो, धूप हो, बारिश हो, जंगल हो, हाईवे हो, सीआरटी 24 घंटे अलर्ट है। तो किस तरह से आप लोगों की हार्ड ट्रेनिंग रहती है, क्योंकि अब तपती हुई धूप भी पड़ रही है? हमें हर तरीके की ट्रेनिंग है, हम हर सिचुएशन में लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। अमरनाथ यात्रा अभी आने वाली है, उसको लेकर किस तरह से आप लोग यहाँ पर अलर्ट हैं? बिल्कुल, हम हर सिचुएशन देखिए, उस हिसाब से हम बिल्कुल अलर्ट हैं। आतंकवादियों ने पिछले रविवार और बुधवार के बीच जम्मू के रियासी, कठुआ और डोडा जिले में 3 जगहों पर हमला किया। इनमें माता वैष्णो देवी मंदिर जा रहे 9 तीर्थयात्री और सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। अमरनाथ गुफा कश्मीर घाटी में 3,880 मीटर की ऊंचाई पर है। 52 दिन की अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को खत्म होगी। खतरे को भांपते हुए सभी तीर्थयात्रियों को RFID कार्ड दिए जा सकते हैं, ताकि उनकी एक्चुअल लोकेशन का पता लगाया जा सके। इसके अलावा तीर्थयात्रियों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया जाएगा।